नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों से। भारत और इटली की दोस्ती नए दौर में पहुंच गई है। मरीन मुद्दे पर चल रहे गतिरोध को पीछे छोड़ते हुए दोनों देशों ने मित्रता की नई मिसाल कायम की है। इसकी वानगी अर्जेंटीना में आयोजित G20 समिट में पूरी दुनिया ने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत को 2022 में आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना में इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते से आग्रह किया कि भारत को 2022 में G20 की मेजबानी करने का मौका दे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उनकी पार्टी फिलहाल अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने के बारे में विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर के मुद्दे ने भाजपा को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि विपक्ष इस मसले का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को डराने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रहा है। जब तक मामला अदालत में है, हमें जल्दबाजी नहीं करते हुए उसे उचित समय देना चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा करतारपुर गलियारे को लेकर बयान पर कड़ा एतराज जताया है। सुषमा ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमान पाकिस्तान के विदेश मंत्री, आपके द्वारा कही गई गुगली वाली बात आपकी मंशा को पूरी तरह से लोगों के सामने रख रही है। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी सरकार को सिखों की भावना की कोई परवाह नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपकी गोली में नहीं फंसे हैं। हमारे दो मंत्री करतारपुर साहिब सिर्फ इसलिए गए ताकि वो इस पवित्र गुरुद्वारे में प्रार्थना कर सकें। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बयानबाजी के कारण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी कारण अब वो अपनी सरकार के मंत्रियों के निशाने पर हैं। सिद्धू ने हाल ही में बयान दिया था कि उनके कैप्टन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, जिसके बाद पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने सिद्धू का इस्तीफा मांगा है। सिद्धू ने अपने ही अंदाज में कहा कि मैली चादर को सबके सामने नहीं धोया जाता है, इसलिए वो कैप्टन से मिलकर ही इस विवाद को सुलझा लेंगे। और आज इसी मुद्दे को लेकर पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग अब और भी तेज होती जा रही है। AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो वार पलटवार का सिलसिला चल रहा था, अब उसमें ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की भी एंट्री हो गई है। एक रैली को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ने योगी पर हमला बोला। इसके अलावा अकबरुद्दीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, चाय वाले हमें मत छेड़, चाय चाय चिल्लाते हो, याद रखो इतना बोलूंगा कि कान में से पीप निकलने लगेगा, खून निकलने लगेगा। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सत्र से पहले 10 दिसंबर को विपक्षी पार्टियों ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी विचार होगा कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर अध्यादेश लाया जाता है तो उनका क्या रुख होगा। आपको बता दें कि लेफ्ट की पार्टियां 6 दिसंबर को संविधान बचाओ प्रदर्शन भी करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और दिल्ली के बीच मिनी बुलेट ट्रेन कही जाने वाली ट्रेन 18 को चलाने पर विचार विमर्श चल रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन 18 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया जा सकता है। योजना के मुताबिक ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलेगी और दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेगी। आयकर विभाग ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में छापा मारकर 30 करोड़ रुपए और 100 लॉकर जब्त किए हैं, जिनमें काफी रुपए भरे हुए थे। नया बाजार में एक छोटी सी दुकान में ड्राई फ्रूट्स और साबुन बेचने का बिजनेस चल रहा था, लेकिन उसकी आड़ में दुकान के बेसमेंट में करीब 100 प्राइवेट लॉकर्स बनाए गए थे। सूत्रों ने बताया कि IT ने दिल्ली के 8 ठिकानों में छापेमारी की है। जितनी भी जगह पर छापेमारी की गई, वहां हवाला रैकेट कारोबार चल रहा था। लॉकर्स जिन लोगों के हैं, उनमें से कुछ के बारे में जानकारी मिल गई है। सोशल मीडिया यूजर्स शनिवार को तब हैरान हो गए जब उन्हें अपने टाइमलाइन पर गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट दिखा, जिसमें अयोध्या की जगह पर लिखा था मंदिर यहीं बनेगा। इसके बाद गूगल मैप पर सर्च करने पर भी उन्हें ये लोकेशन मिला। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर यहीं बनेगा मार्कर अयोध्या की विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाली जगह पर लगाया गया था।
हालांकि बाद में इसे मैप से हटा लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गोत्र को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच कश्मीरी पंडितों के धर्मगुरु और वैदिक शास्त्र के जानकार पंडित ओमकार नाथ शास्त्री का कहना है कि राहुल ने अपने गोत्र को लेकर जो दावा किया है वो सही है। आमतौर पर शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है। इंदिरा गांधी ने फिरोज से शादी के बाद धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसलिए वे कश्मीरी ब्राह्मण ही रहीं। इंदिरा के बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों का गोत्र भी वही रहेगा जो माँ का है। इस लिहाज से राजीव गांधी के बेटे का गोत्र भी वही हुआ जो राजीव गांधी का है। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने छेड़छाड़ का विरोध करने वाली एक विवाहिता को जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से घायल विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। परिवार वालों ने मामले को लेकर गांव के ही दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले को संज्ञान में लेते हुए डीजीपी के निर्देश पर आईजी सुजीत पांडे ने 3 पुलिसकर्मियों को इस मामले में निलंबित कर दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। काले धन को लेकर स्विट्जरलैंड 2 कंपनियों और 4 लोगों के बारे में भारतीय एजेंसी को जानकारी देने के लिए राजी हो गया है। दोनों भारतीय कंपनियों में से एक सूचीबद्ध कंपनी है, जबकि दूसरी कंपनी का तमिलनाडु के कुछ राजनेताओं से संबंध बताया जाता है। स्विस सरकार जियोडेसिक लिमिटेड और आदि एंटरप्राइजेस के बारे में प्रशासनिक सहायता देने के लिए भी तैयार हो गई है। रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टारर सिम्बा का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। फिल्म की कहानी मसालेदार है। बताया जा रहा है ये बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। सिम्बा तेलुगु में बनी फिल्म टेम्पर का हिंदी रीमेक है। रणवीर सिंह फिल्म में एक नटखट और करप्ट पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म 28 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है। न्यूयॉर्क में कुछ महीनों से कैंसर का इलाज करा रही एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे कल रात मुंबई लौटी। इस दौरान उनके पति गोल्डी बहल ने कहा, सोनाली बहुत अच्छा कर रही हैं, वे बहुत ही अच्छे से रिकवर भी कर रही हैं। अभी के लिए इलाज पूरा हो चुका है, लेकिन ये बीमारी दोबारा भी आ सकती है, इसलिए लगातार चेकअप होता रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।